अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जो कि है चीपेस्ट कैमरा इन द वर्ल्ड। कैमरा तो और भी काफ़ी मतलब सस्ते होंगे लाइक, पर ये है एक अच्छे रिजल्ट वाला कैमरा जिसको आप एज अ सिक्योरिटी कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर ऑफिस वगैरह में, मतलब सबसे सस्ता होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उस कैमरे को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कोडिंग करनी है और कैसे उसको रन वगैरह करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस कैमरे में आपको सिर्फ और सिर्फ चार चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैमरा ESP32 कैम, ये छोटा सा है ESP32 कैम, और ये कैमरा जो है इसका ये सेपरेट भी हो जाता है, यहाँ से पिन से अटैच किया हुआ। और सेकंड आप लोगों को ये चाहिए होगा फॉर कोडिंग FTTI मॉड्यूल, FTTI डिबगर मॉड्यूल। और दूसरा इसके साथ इसकी केबल चाहिए होगी, ये थोड़ी सी डिफरेंट केबल है लाइक अवेलेबल नहीं होती हर घर में आजकल, पहले होती थी ऐसी पुरानी केबल, ये नोकिया के फ़ोन वगैरह वाली केबल, तो ये केबल चाहिए होगी डाटा केबल। और चार जंपर वायर्स चाहिए होंगी बस, एंड द मेन थिंग जिससे आप लोगों ने इसको कोड करना है, आप लोगों को एक लैपटॉप चाहिए होगा या PC। सो चलें अब इसकी कोडिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं ESP32 का कोडिंग पार्ट, हाउ टू कोड ESP32 के हम लोग उसको किसी भी ब्राउज़र पे अपने वाईफाई लोकल वाईफाई के ऊपर एक्सेस कर सकें, फ़ोन के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर हम लोग चाहें। तो सबसे पहले आप लोगों ने Arduino IDE सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। दिस इज़ अ वेबसाइट ऑफ Arduino, तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना है, सॉफ्टवेयर पार्ट में जाना है, और ये नीचे डाउनलोड द Arduino IDE है, और ये इसका लेटेस्ट वर्जन है जो अब चल रहा है। तो आप लोगों ने ये कर लेना है विंडोज़ इंस्टॉलर, ठीक है। विंडोज़ इंस्टॉलर करने के बाद आप लोगों ने इंस्टॉल करना है Arduino का सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। वो करने के बाद तो मैंने तो डाउनलोड भी किया, वो इंस्टॉल भी किया, उसके बाद ये स्टार्ट बटन खोलना है यहाँ से, Arduino का सॉफ्टवेयर खोलना है। तो अब हम लोगों ने ये करना है कि जो बिल्ट इन हमें Arduino कंपनी है ना, वो ESP32 का नहीं एक्सेस देती, तो इसका हमने बोर्ड इंस्टॉल करना होता है अपने Arduino सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक लिंक चाहिए ESP32 का, वो हम लोगों ने इसके बोर्ड मैनेजर में ऐड करना है, और उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने बोर्ड इंस्टॉल करना है ESP32 का, एंड वहाँ से इसको कोड करना है। तो कैसे करना है, अभी ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, अब ऐसे करना होता है कि ना यहाँ पे टूल्स में जाके, तो यहाँ पे जब स्टार्ट में ना Arduino UNO सेलेक्ट हुआ होता है, बिकॉज मोस्टली लोग Arduino UNO यूज़ करते हैं ना, तो डेट्स वाई वो सिलेक्ट हुआ होता है जब हम लोग शुरू में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्ड मैनेजर में जाना है, तो यहाँ पे बोर्ड हमें ESP32 चाहिए जो कि नहीं है, ठीक है, मतलब जब हम लोगों ने स्टार्ट करना है तो इसमें नहीं होना, तो वो हमें इंस्टॉल करना पड़ना है। तो उसके लिए ये लिंक है, ये लिंक आप लोगों ने कॉपी करना है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ये बस कॉपी करना है और पेस्ट कर देना जहाँ पे मैं करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये अब आ गया, अभी इसके अंदर पहले स्टार्ट में ESP32 नहीं होता, तो आप लोगों ने बस ये करना है कि और फाइल में जाके, तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ पे जाके सिंपल इस जगह ना एडिशनल बोर्ड मैनेजर URLs की जगह ये पेस्ट कर देना लिंक, मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, ये देखें HTTP Arduino ये वाला मैंने लिंक पेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ये देखें ESP32.underscore index.json ये ही वाला लिंक है, ठीक है। तो ये कर देना, मेरे ये दो लिंक्स इसलिए हैं क्योंकि मैंने STM32 को भी कभी किया हुआ है, ESP8266 का भी किया हुआ, तो आप लोगों के एक होगा, कोई मसला नहीं है, मतलब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने बोर्ड मैनेजर में जाना है, बोर्ड में जाके बोर्ड मैनेजर में जाना है, और यहाँ पे अब सर्च करोगे ESP32 तो ESP32 आ जाएगा। जैसे ही बोर्ड मैनेजर ओपन करेंगे ना, तो ये कुछ फाइल छोटी सी डाउनलोडिंग होंगी लाइक 500 KB तक की,
ये होने के बाद ये डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म इंडेक्स, ये करके इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे सर्च करो ESP32, ये आ गया ESP32। अब यहाँ से आप लोगों ने लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करना है जो कि 1.0.4 है, वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ। यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी, इंस्टॉल करोगे एंड ये ऑलमोस्ट कोई 300 MB तक होगा। ये इंस्टॉल करने के बाद इसको बंद कर देना है। ओके, तो ये इंस्टॉल करने के बाद ना 300 MB तक इसकी है साइज़ होगा इस पैकेज का, तो ये इंस्टॉल कर लेना आप लोगों ने। इंस्टॉल करने के बाद इसको बंद कर देना है। उसके बाद सिंपल कुछ स्टेप्स हैं वो करने हैं, तो कैमरा हमारा हो जाएगा। उसके बाद इसकी सर्किट डायग्राम के हम लोगों ने FTDI और ESP32 कैम को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द सर्किट, ये सर्किट है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये सर्किट होगा ESP32 का ग्राउंड, इसे ग्राउंड के साथ 5 वोल्ट के साथ, TX U0R के साथ और RX V0T के साथ, ठीक है। तो उसके बाद इसकी IO0 मतलब GPIO0 जो है वो ग्राउंड के साथ कॉमन करनी होगी। इसको ESP32 दो मोड्स में रन करता है, फ्लैश मोड में करने के लिए हम इन दोनों को शॉर्ट करते हैं। फ्लैश मोड में करके इसके अंदर कोड बर्न हो जाएगा और उसके बाद इसको फ्लैश मोड से निकाल के हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ आल्सो द सर्किट डायग्राम, ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी पिन किस किस तरह कनेक्ट करनी है, ठीक है। ये करने के बाद ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल ऑर्डिनो खोलना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से सबसे पहले टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके सेलेक्ट क्या करना है, टूल्स में जाके बोर्ड्स में जाके तो ESP32 में चले जाना है। अब यहाँ से ESP32 में जाके ढूंढना है AI थिंकर, ESP32 कैम कहाँ पे है, ये है AI थिंकर ESP32 कैम, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ना वो यही वाला है, AI थिंकर ESP32 कैम। ESP32 काफ़ी तरह के कैमराज हमें देता है, तो हम लोगों ने ये वाला यूज़ कर रहे हैं जो भी मेरे पास है। ये सबसे सस्ता वाला है, चीपेस्ट कैमरा। ओके, तो ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, AI थिंकर। और उसके बाद सिंपल जो है उसको FTDI पे सर्किट कनेक्ट करने के बाद, पिंस लगाने के बाद लैपटॉप के साथ अटैच कर देना है। मे भी आप लोगों को ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़े, अगर तो करना पड़ा तो सिंपल डिवाइस मैनेजर में जाना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज FTDI का, अगर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़े डिवाइस मैनेजर में जाके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप बना होगा या कोई येलो, तो ड्राइवर इंस्टॉल यहाँ पे कोई होगा तो ड्राइवर इंस्टॉल करना है। उसके बाद पोर्ट्स में जाना है, तो ये कॉम नंबर 10 पोर्ट नंबर 10 के ऊपर ना हमारे पास FTDI कनेक्टेड है, हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब यहाँ से टूल्स में जाके कॉम पोर्ट नंबर 10 सेलेक्ट कर ली। उसके बाद सिंपल फाइल में जाना है एग्जांपल्स में जाना है, यहाँ पे जाके तो यहाँ से ESP32 की एग्जांपल्स में आए, यहाँ पे ESP32 कैमरा में गए, कैमरा के आगे कैमरा वेब सर्वर है, इसको क्लिक कर देना। तो ये कैमरा वेब सर्वर की एग्जांपल ओपन कर लेनी है सिंपल, और ये ऑटोमेटिकली ये 4 टैब्स ओपन हो जाएंगे सारा, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल हम लोगों ने ये करना है कि ESP32 ये 5 टाइप्स के कैमराज हमें देता है, तो हमारा इस टाइम AI थिंकर है, तो इसको हमने अनकमेंट कर देना है, और जो अनकमेंट था उसको कमेंट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल जो हमारा वाईफाई है उसका नेम देना है, और जो हमारा वाईफाई का पासवर्ड है वो दे देना है, ठीक है। इस टाइम मेरा वाईफाई ये है, तो मैं ये यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड देना है। अब जो मेरा पासवर्ड है मुझे याद ही नहीं है क्या है, चलो देख लेते हैं।
जो पासवर्ड होगा वो आप लोगों ने वहाँ पे पासवर्ड देना है। उसके बाद जो पासवर्ड होगा वो हम लोगों ने अभी पासवर्ड पेस्ट करना है, ठीक है। तो विंडोज़ 10 में ऐसे पासवर्ड देखते हैं, चलो जिसको नहीं बोला तो पता चल गया ये पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये पासवर्ड हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ESP32 का पिन्स अटैच करनी है। मैंने पिन्स अटैच की हुई हैं बट मैंने वो शॉर्ट नहीं की गई, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर कोड अपलोड कर, पिन्स अटैच करने के बाद ना उसको लैपटॉप के साथ अटैच करने के बाद जब उसमें मतलब ऑन हो जाए तो रीसेट का बटन दबाना है ESP32, ताकि वो फ्लैश मोड में एंटर हो जाए। इस टाइम फ्लैश मोड में एंटर हो गया, सारा कुछ हमने कर लिया। तो उसके बाद हम लोगों ने अपलोड करना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ये कंपाइलिंग में, लाइक 5 मिनट्स भी ले सकता है, काफ़ी लंबा कोड टैब। और ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जैसे ही कोड अपलोड होता है इस टाइम भी कंपाइलिंग हो रहा है। तो जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप लोगों ने इसको फ्लैश मोड में करना है और उसके बाद पिंस वगैरह बिल्कुल ठीक अटैच करनी है, तो बिल्कुल ठीक वर्क करेंगे। ओके, तो ये कंपाइलिंग के बाद कोड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अब ये ऐसे आ रहा है वरना जब, तो सिंपल रीसेट का बटन प्रेस करना है। अभी कोड अपलोडिंग स्टार्ट नहीं, ये कनेक्टिंग हो रहा है। अब कनेक्टिंग में इशू आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कोई वायर जो है वो हो रही थी और एरर आ गया, तो डिसकनेक्ट किया है, दोबारा कनेक्ट करना है। ये थोड़ा सा है इशूज वगैरह आ जाते हैं, तो दोबारा से अपलोड करते हैं। ये देखें अब अपलोडिंग स्टार्ट हो गई, अपलोडिंग भी 1% हो रही है, मतलब थोड़ी अपलोडिंग भी स्लो है। मैं कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर रहा हूँ, साथ साथ अपलोडिंग हो रही है। वो एक वायर जो है वो कर रही थी इशू, इस वजह से वो कनेक्टिंग नहीं हो रहा था। तो वायर मतलब बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसके बाद लगाने के बाद रीसेट का बटन दबाना था कि फ्लैश मोड में एंटर हो जाए। फ्लैश मोड में एंटर होने के बाद कोड अपलोड होगा। ये अपलोड होने लगा 100%, एक एड्रेस राइट हुआ। एड्रेस होने के बाद ये अवर अपलोड होने के बाद ये डन अपलोडिंग आ गया, ठीक है। अब हम सीरियल मॉनिटर ओपन करना है, हम लोगों ने देखनी है IP, तो पोर्ट्रेट ये सिलेक्ट करना है 115200। इस टाइम अगर हम लोग सेम प्रेस करेंगे रीसेट का बटन तो ये आएगा, इसका मतलब है कि ये ESP हमारा फ्लैश मोड में है। अब जो IO0 और ग्राउंड वाली पिन है ना, वो मैंने रिमूव कर दी है। अब हमने फ्लैश मोड से ख़त्म करना है, रिमूव करके दोबारा रीसेट दबाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आने के बाद इस टाइम ये वाईफाई साथ कनेक्टेड, अब वाईफाई कनेक्टेड हो गया है। अब हमारा ESP इस वेब एड्रेस के ऊपर हम लोग अटैच कर सकते हैं। इस जो मैंने जो मेरा वाईफाई है ना अब्दुल हादी, इसके साथ अगर मेरा कोई फ़ोन कनेक्ट होगा, मेरा कोई लैपटॉप कनेक्ट होगा या कुछ भी कनेक्ट होगा, उसके ऊपर मैं ये सेट कर सकता हूँ। लाइक आप लोग अगर अपने घर में लगा दें अपने वाईफाई के साथ, वाईफाई कनेक्ट करके साथ एक जगह, तो किसी भी फ़ोन से लाइव स्ट्रीमिंग या रीचार्ज एडिटिंग सेट कर सकते हैं। तो वो IP एड्रेस मैंने कॉपी किया यहाँ से, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आ गया, ये मेरे पास ESP32 का मेरा मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ से मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, ये ठीक है, ये रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर ली। 1600 तक रेजोल्यूशन देता है, ठीक है। तो मैंने 800 सेलेक्ट किया, 1600 पे जाके ना अटकने लग पड़ता है। 800 सेलेक्ट की तो हम लोग स्टार्ट स्क्रीन करते हैं,
ये है मेरे पास ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है अब हम लोग EST के साथ जो मर्जी पैसे देते हैं ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इसको लाइव ट्रेन कर लिया और यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो स्टिल पिक्चर लेनी है वो भी ले सकते हैं लाइक दिस। देखें स्टिल पिक्चर भी आ गई है और इसके साथ ऑप्शंस भी हैं फेस रिकॉग्निशन की ऑप्शंस भी हैं। ये कलर बार यहाँ से ये कि आपका ESP ठीक रिस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रही है देखें ये चेक करने के लिए। और भी इसके अंदर बहुत कुछ है मिरर्स का वी फ्लिप ऑप्शन है गेन की सेटिंग है ये गेन यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद वाइट बैलेंस मोड ये भी सेट हो जाता है बहुत सारी ऑप्शन हैं इफेक्ट्स भी आ जाते हैं ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट कैमरा आई थिंक सो बेस्ट प्राइस यहाँ से क्वालिटी ये क्वालिटी होगी ब्राइटनेस जैसे भी सेट करना चाहिए ठीक है। अभी एक्चुअली मेरे पास ऐसा वाला माइक नहीं है तो डेट वाइज बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो सॉरी फॉर डेट। एंड यहाँ से रेजोल्यूशन लो कर लें लो रेजोल्यूशन के ऊपर और भी अच्छा मतलब फिटिंग जैसे ही थोड़ी बड़ी करेंगे तो एंड वन मेन थिंग कि ना इस कैमरा से आप लोग रिकॉर्डिंग सेव भी कर सकते हैं अपनी। इसके ऊपर कार्ड की ऑप्शन है मेमोरी कार्ड की ऑप्शन तो मेमोरी कार्ड ऐड करके ना तो आप लोग इसकी पूरे दिन की लाइव स्ट्रीमिंग जो भी हुई होगी वो सेव भी कर सकते हैं। देखें मैंने ना अब इसको अपनी छत पे रख दिया तो मैं इसको एज अ सिक्योरिटी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ अपने घर के लिए। देख सकते हैं कि मेरी गली की स्ट्रीमिंग हो रही है लाइव मेरे पास आ रहा है छत पे कैमरा पड़ा है वाईफाई साथ कनेक्टेड है मैं नीचे बैठा हूँ। तो इस तरह आप लोग इसको ना एज ए सिक्योरिटी कैमरा यूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैंने रेजोल्यूशन बढ़ी नहीं की जब ज़्यादा रेजोल्यूशन करें ना तो थोड़ा सा फीडबैक हो जाता है इसलिए मैंने 1024 पे रखी थी और इस टाइम बेस्ट चल रहा है। ये देखें लाइव से ट्रिमिंग आ रही है मेरे पास। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग फ़ोन के ऊपर भी असेस कर सकते हैं तो मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर असेस कर सकता हूँ वो ही मैं IP जो लिखी हुई है उसी वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद ना यहाँ पे अपना देख सकता हूँ अच्छा ट्रिमिंग। यहाँ से डेस्कटॉप साइड कर लेंगे ताकि एक ही चीज़ के एक ही पेज के ऊपर आए स्टार्ट से ट्रिमिंग और ये से ट्रिमिंग आ रही है ठीक है। अब का रिज़ल्ट हम लोग थोड़ा सा डाउन कर लेंगे ताकि थोड़ी कमा सकें। जैसे ही हम लोग रिज़ल्ट हाई करते हैं ना तो रेजोल्यूशन हाई करते हैं पिक्चर का रिज़ल्ट अच्छा हो रहा है बट थोड़ी सी स्लो हो जाती है पिक्चर। ये देखते हैं ये फोन में किस तरह एक्सेस हो रहा है ठीक है। तो इस तरह हम लोग ना किसी भी चीज़ के ऊपर ब्राउज़र के ऊपर फ़ोन के ऊपर असेस कर सकते हैं इस कैमरे को।